क्लास 8 चैप्टर 15 का सेल्फिश जायंट स्वार्थी दानव पार्ट 4। अब हम आपको पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। पार्ट 4 में कल हमने पार्ट 3 बताया था आपको, अब हमारी स्टोरी है यहाँ पर लास्ट हो जाएगी, पार्ट 4 फिनिश कर देगा। पेज नंबर 100 में देखो क्या लिखा है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन दे प्लेड में खेलते थे, एंड इन द इवनिंग शाम के समय दे केम टू द जाइंट, वे आए दानव के पास टू बिड हिम गुड बाय करने के लिए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, आपका छोटा सा कंपेनियन साथी कहां पर है। ही सेड, उन्होंने कहा, द बॉय लड़का, आई पुट इन टू द ट्री, आई पुट मैंने पेड़ पर उसको रख दिया है। द जाइंट लव्ड हिम, जो जाइंट दानव था उसे बहुत प्यार करता था। द बेस्ट, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, ही हैज गॉन अवे, वह जा चुका है, बच्चों ने बताया वह जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, यू मस्ट टेल हिम, तुम्हें बताना चाहिए, टू बी श्योर, एंड कम हियर टुमारो, कल हम वहां पर मिलेंगे। सेड द जाइंट, दानव ने कहा, व्हाट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते हैं, वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उन्होंने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और दानव बहुत ही दुख महसूस किया दानव ने। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के समय, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता था, समाप्त होता था, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विद द जाइंट, और दानव के साथ खेला करते थे। ही वॉज वेरी काइंड, दानव बहुत ही दयालु हो गया, परिवर्तन आ गया उसके स्वभाव में। टू ऑल द चिल्ड्रन, येट फिर भी, ही लॉन्ग फॉर ए फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह इच्छा करता था वही बालक मुझे दोबारा मिल जाए। एंड ऑफन स्पोक टू ऑफ हिम, मुझे उससे कुछ कहना है, हाउ, किस प्रकार, आई वुड लाइक टू सी हिम, किस प्रकार, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू सी हिम, उसे देखने के लिए। ही यूज टू से, वह कहना चाहता था। इयर्स वेंट बाय, सालन बीतती गई, समय निकलता गया। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड, अब दानव बहुत बूढ़ा हो गया। एंड फीवर, ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब ज्यादा दिन तक वह खेल नहीं सकता बच्चों के साथ। सो ही सैट इन हर आर्मचेयर, एक आर्मचेयर कुर्सी पर वो बैठा करता था, बड़ी सी कुर्सी थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन, और वहां बैठकर बच्चों को देखा करता था। एट देयर गेम, जो बच्चे गेम खेलते थे। एंड एडमायर हिज गार्डन, आई हैड मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, कि हमारे फूल तो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इस बगीचे में खेलते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, प्रातःकाल मॉर्निंग, फिर सर्दियों की सुबह, ही लुक आउट ऑफ ए विंडो, उसने खिड़की से झांक कर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, कि वह ड्रेसिंग कर रहा है। ही डिड नॉट लेट द विंटर नाउ, फॉर ही नो दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, एंड दैट फ्लावर्स वर रेस्टिंग। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि स्प्रिंग हमारी सो चुकी है, जा चुकी है, फ्लावर भी आराम कर रहे हैं। सडनली, अचानक, ही रब्ड हिज आइज, वे अपनी आंखों को रगड़ता है, इन वॉन्डर, आश्चर्य में, एंड लुक्ड, और देखता है। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, यह कैसा साइट था, मार्वलस, अच्छा दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर, एक कोने में, दूसरे मतलब बहुत दूर कोने में, ऑफ द गार्डन, बगीचे के दूर कोने में, वॉज ए ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली व्हाइट ब्लॉसम्स, जो मतलब रखा हुआ था व्हाइट ब्लॉसम से। इट्स ब्रांचेज वर ऑल गोल्डन, इसकी शाखाएं सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट, और उसके अंदर एक सुनहरा सा
हमारा चांदी जैसा फल था, हग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडर मी इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वह छोटा लड़का उसको पसंद करता था। अब नीचे देखो, एंड द चाइल्ड स्माइल, जब बच्चा मुस्कुराता है, ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टूडे यू शैल कम विद मी माई गार्डन, तुम मेरे बगीचे में आना, विच इज पैराडाइज, वह कैसा बगीचा है, स्वर्ग है, पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। एंड वेन द चिल्ड्रन रेन, जब बच्चे दौड़े इन द आफ्टरनून दोपहर के समय, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड, जब बच्चों ने देखा कि जो दानव था मरा हुआ लेटा हुआ था, द ट्री पेड़ के पास, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे दानव मर चुका था, ऑल कवर्ड विद ब्लॉसम्स, सभी क्या हो गए, कवर ढके हुए थे ब्लॉसम्स। इस प्रकार हमारा ये पार्ट 4 फिनिश हो गया।